जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन आरसीपी सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने किया। आरसीपी सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के बीच संदेश भेजने को लेकर आयोजित की गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ही जेडीयू लगातार अपने संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में जुटी हुई है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार जेडीयू में संगठन को मजबूत बनाने की जो कवायद वो चल रही है और उसी को लेकर आज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया है। जानना चाहेंगे किस तरह की कवायद हो रही है, पार्टी के कौन कौन से नेता इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहे। देखिए, आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बाद जितने भी तमाम संगठन के नेता हैं वहां मौजूद हैं। मंत्री कोई नहीं है, लेकिन संगठन से जितने भी जदयू से जो जुड़े हुए हैं नेता वो वहाँ पहुंचे। कार्यकर्ता हैं, जिलाधिकारी के जिला कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर के भी हैं वहाँ आए हुए प्रशिक्षण दे रहे हैं आरसीपी सिंह की। जिस तरीके से उनका कहना है कि हमारे नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, उनके सीख और उनके आपके उनके जैसे नेता आप लोग को भी बनना है। कहीं ये नहीं कि आप जिलाधिकारी बन जाए, कहीं बड़े अधिकारी पद में आपको मिल जाए तो आप उन कार्यकर्ताओं छोटे कार्यकर्ताओं को भूल जाए। उनको लेकर ये प्रशिक्षण शिविर है, उनका एक तरीके से मोटिवेशन किया जाता है कि आप किस तरीके से कार्य क्षेत्र में काम करें आगे बढ़ के और पार्टी को कितना मजबूत करें, खुद को मजबूत मतलब पार्टी जितनी मजबूत होगी तो आप खुद मजबूत होंगे, इसको लेकर एक प्रशिक्षण शिविर का। और आरसीपी सिंह जब से अध्यक्ष बने हैं तब से ऐसे आयोजन, क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव हुआ है और आरसीपी सिंह अध्यक्ष बनने के बाद संगठन को काफी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में आप देख सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा को भी लाया गया है, उनको भी संसदीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पार्टी को लॉ कुश के जो भी समीकरण है उसको लेकर मजबूत किया जा रहा है। जी राजीव, चूंकि ये देखा जा रहा है कि जब से आरसीपी सिंह को बनाया गया है यहाँ पर पार्टी की जो बागडोर दी गई है लगातार वो पार्टी केंद्र कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरने का काम करे। चूंकि हाल ही में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ और अब पंचायत चुनाव भी होना है, क्या लगता है कि उसी की तैयारी पार्टी की तरफ से की जा रही ताकि कार्यकर्ता और नेता बड़े जोश के साथ चुनाव में उतरे और जीत भी दर्ज करे। देखिए, आरसीपी सिंह जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, नीतीश कुमार जन ने उनको कमान दिया है, तब से एक तरीके से नया जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव होने वाले हैं लेकर पंचायत स्तर पर भी पार्टी अपने जितने भी कैंडिडेट जो होते हैं उनको जो जदयू से रिलेटेड होते हैं उनको खड़ा किया जाए, उनको ऐसी किया जाए कि हमारे मतलब कि वहाँ जब अगर मुखिया स्तर पर और जब गांव ब्लॉक में अगर पार्टी मजबूत होती है तो वो विधानसभा और लोकसभा में नजर आते हैं। उसी को लेकर आरसीपी सिंह हमेशा जब से संगठन में उनका कारोबार अध्यक्ष बने हैं वो एक तरीके से जान फूकने का काम कर रहे हैं। कि चीज आपने देखा था कि 41 सीट मिली थी जब से तो कहीं ना कहीं जदयू को कि आप तीसरी नंबर की पार्टी हो गई है, तो उसको लेकर एक तरीके से जो पहले से जो कमी है उसको पूरा भरने की कोशिश कर रहे हैं आरसीपी सिंह। जी, यानी कि संगठन में पूरी तरह से जान फूकने का काम आरसीपी सिंह कर रहे हैं जब से वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो लगातार आरसीपी सिंह अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जोश भरने का काम कर रहे हैं। हाल ही में पंचायत अब चुनाव भी होना है, किसी भी वक्त जो तिथि है उसका अनाउंसमेंट भी हो सकता है और इसी को लेकर जो लगातार नेता है कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश करे ताकि बड़े दमखम के साथ जो चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता उतरे और भारी जीत भी दर्ज करें।